आजीवन मांस मदरा मांस मच्छी मारना खाना पीना वाला था, और इसके बाद जब बापूजी से दीक्षा ली तो हमारा जीवन बहुत परिवर्तन हो गया। यहाँ पे आके बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं और गुरुदेव की प्रेरणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको। बापूजी जेल के अंदर रह ही नहीं सकते हैं, बापूजी तो अखंड ब्रह्मांड नायक है, उनको जेल में कौन बंद कर सकता है। किराए का हाल था, उसमें से बोला को उनने कि यहाँ से मंदिर ले जाओ, आप पाठ मत करो। हमने वो मंदिर लाके और अपने घर पे रख दिया और लाके वहीं पर पाठ करा। सब मोहल्ले वाले हंसते थे कि, लेकिन गुरु की कृपा ऐसी बरसी कि 6 महीने के अंदर अंदर एक मंजिल का फ्लोर पूरा बन गया हमारा। 6 महीने बाद दूसरी फ्लोर बन गया, 2 मंजिल हो गया। और हमें जानते थे कि ये तो किराए से रहते थे, इनने कैसे बना लिया मकान। मैंने कि बापूजी ने बनाया, हमने नहीं बनाया। बापूजी जोधपुर गए नहीं, हमारे घर के अंदर आए। बापूजी जोधपुर नहीं, हमारे घर के अंदर है। और नहीं तो साक्षात देख लो चमत्कार बापूजी का, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लोग आज काम करते हैं अपने पास। और मैं खुद 20 रुपये रोज में दूसरे के पास काम करता था, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो ऐसा बरसा बरसता है। निर्दोष है बापूजी, हमारे जल्दी से जल्दी आएंगे ऐसा हमारा कहना है। अब कितना भी आंधी तूफान चला, रात दिन टीवी चैनलों में दिखाया गया, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा को नहीं डगमगा पाए वो लोग। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, लेकिन बापू के भक्त आज भी बापू को भगवान की तरह मानते हैं। मैं कैलाश नारायण केवट, ब्यावरा, राजगढ़ जिला, MP से आया हूँ। कितने सालों से जुड़े हो बापू? बापू जी से 2006 से दीक्षा ली मैंने। क्या जीवन में परिवर्तन आया? बापू से नहीं जुड़े थे, पहले कैसे जीवन था, उसके बाद क्या जीवन? पहले हमारा जीवन मांस मदरा मांस मच्छी मारना खाना पीना वाला था, और इसके बाद जब बापू जी से दीक्षा ली तो हमारा जीवन बहुत परिवर्तन हो गया। लेकिन बापू तो जेल के अंदर है। जेल के अंदर है, हमारे दिलों में है, जेल के अंदर कहाँ है। बापू जी जेल के अंदर रह ही नहीं सकते हैं, बापू जी तो अखंड ब्रह्मांड नायक है, उनको जेल में कौन बंद कर सकता है, कोई बंद नहीं कर सकता है उनको। तो वो तो साधकों के हृदय में रहते हैं, बापू जी तो जेल के अंदर नहीं है। बापू जी उनका तो एक रूप है वहाँ पर, लेकिन आत्म रूप से तो सब में व्यापक है। मतलब श्रद्धा में कोई कमी नहीं? श्रद्धा की काई की कमी, अटूर भरपूर श्रद्धा है। कैसे श्रद्धा कम हो सकती है बापू जी का हमारे ऊपर? हम ऐसे कभी कम नहीं हो सकते। हम पूरे परिवार के साथ आए, परिवार के साथ आए हैं और हर साल आते हैं होली मनाने के लिए। हाँ ये बच्चे हमें जी लगभग काफ़ी टाइम से आते हैं हम लोग भोपाल, बचपन से आ रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं और गुरुदेव की प्रेरणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको। ये सब झूठे हैं, निर्दोष है बापू जी, हमारे जल्दी से जल्दी आएंगे ऐसा हमारा कहना है। क्या कहोगे बहन, एक लड़की ने आरोप लगाया, आप भी आते हो, कितने सालों से आते हो? काफ़ी टाइम हो गया हमें आने में, और आने बचपन से आ रहा है मुश्री स्टार्टिंग, और अच्छा लगा कल मतलब प्राणायाम। बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू की गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने बोला गलत होता है, तो क्या होता है यहाँ पे? ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, और अच्छे मतलब संस्कार सिखाए जाते हैं, प्राणायाम ध्यान योगासन सब जब ध्यान सब सिखाए जाते हैं। और हमारे घर पर हर गुरुवार को बाल संस्कार, हर रविवार के दिन और गुरुवार के दिन पाठ होता है। क्या मांग करोगे सर? मांग यही करेंगे गुरुदेव जल्दी आना है, ऐसा झूठा आरोप में क्यों फंसाया गया, तुम न्याय करोगे, छोड़ो गुरुदेव को बस। क्या कहोगे बहन, महिला हो, क्या सरकार से मांग करोगे? जल्द से जल्द रिहा करे बापू को, यही हमारी बापू जी से यही निवेदन है। बापू जी जल्दी हमें दर्शन दे, और सरकार से भी यही निवेदन है कि बापू जी को जल्द से जल्द बाहर करें बस। आपने वो कुछ मंदिर का जिक्र किया था पहले, मंदिर पहले हमारे जो बापू जी के जब 2013 में वो कुप्रचार चला था, तब हमारे ब्यावरा में हमारे शहर में पर एक समय ऐसा आया कि वो मंदिर रखने के लिए मना कर दिया कि यहाँ पर मंदिर पाठ भी मत करो और मंदिर के यहाँ से ले जाओ दूसरी जगह। तो मतलब जहाँ किराए का हुआ, हाँ किराए का हाल था, उसमें से बोला को उनने कि यहाँ से मंदिर ले जाओ, आप पाठ मत करो। हमें ऐसा लगा कि देखो बरसों से जब बापू जी का पाठ होता था, जब आते थे दौड़ दौड़ के, और आज यूँ कह रहे कि यहाँ से मंदिर को ले जाओ, पाठ भी मत करो यहाँ पर। तो फिर हमने एक पहले हम किराए से रहते थे, रहते रहते फिर एक 2 कमरे छोटे से ही बनाए थे, और हमने सोचा कि मैंने कि चलो अपन पहले किराए से रहते थे, 2 कमरे बनाए, एक बापू जी के मंदिर रखने के लिए दे देते हैं और दूसरा दूसरे में हमरे रख जाते हैं। तो जैसे ही हमने वो मंदिर लाके और अपने घर पे रख दिया और लाके वहीं पर पाठ करा, सब मोहल्ले वाले हंसते थे कि ये कैसे पागल, ऐसे आंधी तूफान में कुप्रचार चल रहा है बापू जी का और ये पाठ कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है, कितने वो पागल हैं, बेवकूफ़ है कि बापू जी की ऐसी स्थिति में ये पाठ कर रहे हैं। तो हमने किसी का कहना नहीं माना, लेकिन
पाठ करता रहा, चलते रहे, लेकिन गुरु की कृपा ऐसी बरसी कि 6 महीने के अंदर अंदर एक मंजिल का फ्लोर पूरा बन गया हमारा और काम धंधा व्यापार सब बढ़िया चलने लगा। और इसके बाद में दूसरे 6 महीने बाद दूसरी फ्लोर बन गया, 2 मंजिल हो गया, और तीसरी मंजिल जो बना बापूजी के लिए सुपरत कर दिया पूरा पूरा। किराए पे रहते थे, किराए से रहते थे, तीन मंजिला मकान हो गए। अब जो लोग हमारा मकान देखा बापू के, ये हमें जानते थे कि ये तो किराए से रहते थे, इनने कैसे बना लिया मकान। मैंने कि बापूजी ने बनाया, हमने नहीं बनाया। कि बापूजी की तस्वीर आपके यहाँ कैसे आ गई? ये कि बापूजी जोधपुर गए नहीं, हमारे घर के अंदर आए। बापूजी जोधपुर नहीं, हमारे घर के अंदर है। और नहीं तो साक्षात देख लो चमत्कार बापूजी का। हमारे पास 2 पैसा खाने का भी नहीं, अन्न का दाना नहीं था, लेकिन कृपा, 3 मंजिला मकान है। और दूसरी बात कि काम धंधे की इतना व्यापार है कि आज 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लोग आज काम करते हैं अपने पास। और मैं खुद 20 रुपये रोज़ में दूसरे के पास काम करता था, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो ऐसा बरसा है, बरसता है। आरोपों में कोई सच्चाई? आरोप हमें तो बिल्कुल सच्चाई नहीं, हम इस बात को मानते ही नहीं है। और हमारे पास तो प्रोजेक्टर है, हम तो जाते हैं बापू जी का जो सुप्रचार के गाँव में दिखाने के लिए जाते हैं कि बापू जी निर्दोष है। और बापू जी की अच्छी अच्छी वो चलाते हैं सत्संग, गाँव में जाते क्लिप वगैरह चलाते हैं। और हर गुरुवार को अपने घर पर पाठ होता है, छोटी सी व्यासपीठ भी है, और वहीं पर सब साधक लोग आते हैं। घर पे ही चलता है। और हाँ, और बहुत लोग आते हैं, अब तो हम लोग ही भजन कीर्तन वगैरह करते हैं हर गुरुवार को। सब टोटल सारी व्यवस्था वहीं पर कर रहा है। सूरत आ, अभी सूरत पिछले साल सूरत से ही 10-12 हज़ार रुपये का बोले गया था, बापू जी फोटो ले गया था बड़ा। और पादुका भी है, चांदी की पादुका भी अपन ने गुरु की कृपा से बन गई, और उन्होंने कृपा से बनी। घर पे सब प्रोग्राम होते हैं, घर पे ही होते हैं सब।